नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश का माल निर्यात 2021-22 में 418 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क भारत की मुख्य प्राथमिकता। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली भंग की, सुप्रीम कोर्ट अविश्वास मत की बर्खास्तगी की जांच करेगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डोपिंग रोधी परीक्षण को पुख्ता करने के लिए नई दुर्लभ रासायनिक संदर्भ सामग्री जारी की। भारत जर्मनी को हराकर महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीता। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स के साथ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं विशाल शर्मा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश का विभिन्न जिंसों का निर्यात 418 अरब अमरीकी डॉलर को पार कर गया है। नई दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2021-22 में हुए निर्यात के ऐतिहासिक आंकड़ों की जानकारी देते हुए श्री गोयल ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, किसान, उद्यमी, छोटे उद्योग और राज्य सरकारों ने एक साथ मिलकर ये लक्ष्य हासिल किया है। अभी अभी डीजीएफटी ने बताया कि 418 बिलियन डॉलर यानी 31-32 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने पहली बार अपने इतिहास में किया है और जो टारगेट सेट किया था उससे भी लगभग 5% ज्यादा। मार्च महीने अकेले में 40 बिलियन डॉलर एक्सीड किया, जो आज तक का इतिहास है। कभी 40 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किसी एक महीने में आज तक हमने नहीं। इस साल एक और बड़ी अच्छा संजोग रहा कि हर महीने 12 महीने तक 30 बिलियन डॉलर से अधिक हर महीने निर्यात हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत सही अर्थों में लोकल से ग्लोबल हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भरोसा जताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कई रिकॉर्ड तोड़ने के कगार पर है। सरकार निर्यात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जिला स्तर पर निर्यात सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला निर्यात केंद्र पहल पर काम कर रही है। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2021-22 का निर्यात परिदृश्य बताता है कि भारत की विनिर्माण क्षमता हाईटेक उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उपज में भी बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2019-20 के दौरान गेहूं का निर्यात मात्र 2 लाख टन था, जो 2020-21 में बढ़कर 21,55,000 टन पर पहुंच गया। श्री गोयल ने कहा कि भारत जरूरतमंद देशों को बड़े पैमाने पर गेहूं का निर्यात जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में गेहूं का निर्यात 1 करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अधिक कृषि निर्यात भारतीय किसान की यह क्षमता दर्शाता है कि वे 135 करोड़ आबादी की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं और अतिरिक्त उत्पादन दुनिया को निर्यात कर सकते हैं। कोयला और खान राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवी ने आज मुंबई में भारतीय हीरे और जवाहरात प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस उद्योग को देश में उत्पादित सोने के बारे में लोगों का उसी तरह से विश्वास कायम करने का प्रयास करना चाहिए जिस तरह से लोग विदेशी सोने पर भरोसा करते हैं। श्री दानवी ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 50 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस क्षेत्र में विकास के लिए अवसर खोलने की नीति बनाई है। इस संदर्भ में उन्होंने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए करारों का उल्लेख किया, जिसमें भारतीय हीरे और जवाहरात उद्योग के लिए असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। श्री कोविंद तुर्कमेनिस्तान की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज अशगाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में युवा राजनयिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और अशगाबाद समझौते का सदस्य है।
उन्होंने कहा कि ईरान में चाबहार बंदरगाह को शुरू करने के कदम उठाए गए हैं, जिससे मध्य एशियाई देशों की समुद्र तक निर्बाध, अनुकूल और सुरक्षित पहुंच हो सकेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत कनेक्टिविटी बनाने, इसमें निवेश करने और सहयोग करने के लिए तैयार है। श्री कोविंद ने कहा कि भारत सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। Connectivity with the Central Asian countries remains a key priority for India. India is a member of both the International North-South Transport Corridor and the Ashgabat Agreement. We have taken steps to operationalize the Chabahar port in Iran, which can provide a secure, viable and unhindered access to the sea for the Central Asian countries. While expanding connectivity, it is important to ensure that connectivity initiatives are consultative, transparent and participatory, with respect for the sovereignty and territorial integrity of all countries. India stands ready to cooperate, invest and build connectivity in the region. राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया में एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा है और भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता ने वैश्विक वार्ताओं को आकार दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति के प्रमुख स्तंभों में पड़ोसी पहले की नीति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का मानना है कि उसके आर्थिक विकास के लाभ पड़ोसियों को भी मिले। राष्ट्रपति ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है और भारत क्षेत्र में खुले, संतुलित, नियम आधारित और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय विदेश नीति का मुख्य क्षेत्र मध्य एशियाई देशों के साथ ऐतिहासिक संबंधों की पुनर्स्थापना रहा है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के तौर पर भारत और मध्य एशियाई देश आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरपंथ और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी साझी चुनौतियों का सामना करते हैं। दोनों पक्षों के इनसे निपटने के तौर तरीके और दृष्टिकोण भी समान है। श्री कोविंद ने इस अवसर पर संस्थान में इंडिया कॉर्नर का उद्घाटन भी किया। इसके लिए भारत सरकार ने कंप्यूटर, भारत पर पुस्तकें, संगीत उपकरण और अन्य सामग्री उपलब्ध कराया है। इससे पहले दिन में राष्ट्रपति अशगाबात ने इटरनल ग्लोरी पर माल्यार्पण किया। वो बाग्त्यार लीक खेल परिसर भी गए और महात्मा गांधी की वक्ष प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने योगाभ्यास का एक सत्र भी देखा। श्री कोविंद कल सुबह तुर्कमेनिस्तान की यात्रा समाप्त कर नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने आज प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह के बाद नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। इमरान खान ने राष्ट्रपति से नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध भी किया है। नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रखने से इंकार के बाद यह कदम उठाया गया। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 5 के खिलाफ बताते हुए इसे खारिज कर दिया। विपक्षी दलों द्वारा असेंबली के स्पीकर असद कैसर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद डिप्टी स्पीकर सूरी ने आज के सत्र की अध्यक्षता की। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि अनुच्छेद 5 के तहत देश के प्रति वफादारी प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। इमरान खान ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग की तकदीर का फैसला ना करें। और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क। उधर विपक्ष ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति नहीं देने के फैसले की वैधता जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। कोर्ट ने असेंबली भंग करने की जांच के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। इस बीच राजधानी इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीलंका सरकार ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच बढ़ती अशांति से निपटने के लिए फेसबुक और ट्विटर सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दूरसंचार नियामक आयोग ने सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया है। सरकार द्वारा कल देशव्यापी कर्फ्यू लागू करने के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्योंकि आर्थिक संकट से निपटने को लेकर सरकार के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था।
कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस बीच भारत ने श्रीलंका को 1 अरब अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए फरवरी में प्रदान किए गए 50 करोड़ अमरीकी डॉलर के बाद ये राशि दी गई है। भारत ने कल श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक खेप भी पहुंचाई। बिजली कटौती कम करने के लिए भारत ने चौथी बार ये सहायता प्रदान की है। बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण में भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड के साथ मिलकर चट्टोग्राम के मीरसराय में बंगबंधु शेख मुजीब शिल्प नगर में भारतीय आर्थिक क्षेत्र बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आर्थिक क्षेत्र बांग्लादेश में भारतीय निवेशकों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। भारतीय आर्थिक क्षेत्र का निर्माण 857 एकड़ क्षेत्र में 964 करोड़ टका की अनुमानित लागत से किया जाएगा। इसके लिए भारत 11 करोड़ 50 लाख अमरीकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराएगा। बांग्लादेश में अंतर सरकारी सहयोग से बनाए जा रहे आर्थिक क्षेत्रों में जापान के आर्थिक क्षेत्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा भारतीय आर्थिक क्षेत्र होगा। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि इस समझौते से भारतीय आर्थिक क्षेत्र के आधुनिकतम बुनियादी ढांचे का विकास शुरू हो जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज वाराणसी गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का विशेष विमान सुबह करीब 10 बजे वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरा। यहां से श्री देउबा का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ, जहां उन्होंने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर आरजू देउबा के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री देउबा के स्वागत के लिए हवाई अड्डे से काशी विश्वनाथ मंदिर तक रास्ते पर जगह जगह संस्कृति विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। हाथों में भारत और नेपाल के झंडे थामे छात्र छात्राएं और रंग बिरंगी पोशाक पहने लोग श्री देउबा और नेपाली प्रतिनिधि मंडल का स्वागत कर रहे थे। विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को भी फूलों से सजाया गया था। श्री देउबा ने काल भैरव मंदिर और ललिता घाट स्थित ऐतिहासिक श्री पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर में भी पूजा अर्चना की। श्री देउबा को ऐतिहासिक धार्मिक नगरी काशी में चल रहे विकास कार्यों से भी अवगत कराया गया। नेपाली मूल के लोगों ने जगह जगह नेपाल के प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री देउबा ने दोपहर के भोजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की और वाराणसी में रह रहे नेपाली मूल के लोगों के एक समूह के साथ बातचीत की। वाराणसी में मनीष सिंह की रिपोर्ट के साथ आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। भारत और नेपाल के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये समझौते किए गए। दोनों नेताओं ने कई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच यात्री रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने संयुक्त रूप से सोलू कॉरिडोर 132 किलोवाट क्षमता की बिजली पारेषण लाइन और नेपाल में बिजली उपकेंद्र का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने नेपाल में रूपे कार्ड का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री देउबा ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कॉरपोरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा ने कहा कि भारत नेपाल संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर मैत्रीपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन टेन ने कल समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी वर्चुअल माध्यम से इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री मोदी ने कहा कि इस समझौते को बहुत कम समय में अंतिम रूप दिया गया है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वॉटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से
हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। श्री मॉरिसन ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश का माल निर्यात 2021-22 में 418 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क भारत की मुख्य प्राथमिकता। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली भंग की। सुप्रीम कोर्ट अविश्वास मत की बर्खास्तगी की जांच करेगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डोपिंग रोधी परीक्षण को पुख्ता करने के लिए नई दुर्लभ रासायनिक संदर्भ सामग्री जारी की। भारत जर्मनी को हराकर महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीता। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स के साथ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में 1466 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने कहा कि मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य परियोजना है और उनके मंत्रालय ने इसे समय पर पूरा करने के लिए विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के कार्य में भूमि अधिग्रहण समेत अन्य कारणों से देरी हुई है। उन्होंने कहा कि समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन इसे एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। श्री गडकरी ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र के सभी किलों के लिए रोपवे बनाने में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार, सरकारी एजेंसियों, सांसदों और विधायकों तथा संबंधित अधिकारियों से बुनियादी परियोजनाओं से संबंधित मामलों में निर्णय लेने की अपील की। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारतीय नवाचार कर रहे हैं। कल चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कॉरपोरेट परामर्श बोर्ड की 8वीं बैठक में श्री ठाकुर ने कहा कि बोर्ड अपने नेटवर्क, शोध और नवाचारों के बल पर बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि परामर्श बोर्ड की बैठक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर सरकार और उद्योग की भविष्य की नीतियों और उपलब्धियों पर केंद्रित रही। बैठक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने और नई शिक्षा नीति के साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के नियोजन पर आधारित थी। सरकार ने कहा है कि डाकघरों में किसी भी समय और कहीं भी एनी टाइम एनी वेयर योजना लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे डाक खातों से बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। एक रिपोर्ट। इस एनी टाइम एनी वेयर योजना को लागू करने के लिए देश भर के करीब 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। देश में कुल 158,526 डाकघर हैं, जिनमें से 152,514 कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत लाए जा चुके हैं। इससे मौजूदा डाकघर बचत बैंक के मौजूदा खाताधारियों को तो मदद मिलेगी ही, नए लोग भी डाकघर बचत खाता आसानी से खोलने के लिए प्रेरित होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार डाकघर खातों से बैंक खातों और बैंक खातों से डाकघर खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए NEFT और RTGS सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार इंटरमीडिएट डेटा रेट, IDR कनेक्टिविटी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN कनेक्शन और VSAT कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उपाय भी कर रही है। ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के चुने हुए डाकघरों में सिम कार्ड और प्वाइंट ऑफ सेल POS की भी पक्की व्यवस्था हो सके।
समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। आर्मी मेडिकल कोर एएमसी आज अपना 258वां स्थापना दिवस मना रहा है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी को दिए विशेष साक्षात्कार में एएफएमएस के महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल रजत दत्ता ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के स्वास्थ्य और फिटनेस को बनाए रखने में एएमसी की भूमिका की सराहना की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 184,66,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 12,75,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान करीब 1,100 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 1,400 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और कला जगत से जुड़ी महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय की जयंती है। वर्ष 1903 में 3 अप्रैल को मंगलुरु में उनका जन्म हुआ था। उस समय के आम प्रचलन के अनुसार 14 वर्ष की अबोध उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था। विवाह के 2 वर्ष बाद वे विधवा हो गयी। बाद में कमला की मित्रता सरोजिनी नायडू की छोटी बहन सुहासिनी चट्टोपाध्याय से हुई, जिन्होंने कमला को अपने बड़े भाई हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से मिलवाया। कला और थिएटर के प्रेमी कमला और हरिंद्रनाथ ने भारी सामाजिक विरोध के बावजूद विवाह कर लिया। कमला के श्वसुर एक प्रगतिशील विचारक थे, उन्होंने कमला को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1927 में कमला इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गईं और स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित कर दिया। वे सेवा दल में आ गईं और इसके बाद नमक सत्याग्रह की प्रबल और मुखर समर्थक बन गईं। वे 1930 में नमक सत्याग्रह में बॉम्बे समुद्र तट पर नमक बनाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा घोषित 7 सदस्यों के नेतृत्व दल में भी शामिल थीं। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब कमला देवी इंग्लैंड में थीं। उन्होंने अन्य देशों के समक्ष भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिए तुरंत विश्व भ्रमण शुरू कर दिया और युद्ध के बाद आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। 1947 के बंटवारे के दौरान कमला देवी ने प्रवासियों के लिए नए घर की व्यवस्था करने में अथक परिश्रम किया। उन्होंने बंटवारे की यातना भुगत रहे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद की। कमला देवी ने महिला उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया। उन्होंने सहकारी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे देश में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली। कमला देवी का कला से गहरा लगाव था। उन्होंने भारत में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का अनवरत प्रयास किया। उन्होंने हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग के पुनरुत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय ने संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्षता की। उन्होंने लगभग 20 पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से अधिकांश विदेश यात्राओं के दौरान उनके व्यक्तिगत अनुभवों से प्रेरित हैं। उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए सन 1955 में पद्म भूषण और 1987 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें 1966 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 1974 में संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान रत्न सदस्य और शांति निकेतन ने अपने सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तमा से सम्मानित किया। 29 अक्टूबर 1988 को कमला देवी चट्टोपाध्याय ने अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान विभूति कमला देवी चट्टोपाध्याय को शत शत नमन।
आज हम ब्रिटिश भारतीय सेना में लुधियाना सिख रेजिमेंट के सिपाही बूटा सिंह, चुहुर सिंह और इमाम अली की भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वे 1857 में सतलज डिवीजन में नियुक्त थे। दिल्ली और मेरठ की गतिविधियों से प्रभावित इन सिपाहियों ने आजादी की पहली लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध में सक्रिय भाग लिया। हालांकि ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विश्वासघात और विद्रोह का आरोप लगाया गया। बूटा सिंह, चुहुर सिंह और इमाम अली को मौत की सजा सुनाई गई और 3 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। देश के इन महान सपूतों को हमारा शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉसकॉस पोर्टल पर जाएं या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL द्वारा विकसित 6 नई और दुर्लभ संदर्भ सामग्री जारी की। श्री ठाकुर ने कहा कि ये विकास भारत को डोपिंग रोधी विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाएगा। उन्होंने कहा कि इन संदर्भ सामग्रियों की उपलब्धता से पूरे डोपिंग रोधी समुदाय को अपनी परीक्षण क्षमताओं को पुख्ता करने में मदद मिलेगी। भारत FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। दक्षिण अफ्रीका में आज भारत ने जर्मनी को 2-1 से पराजित किया। भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को मलेशिया के साथ होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले 8 अप्रैल को खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछली बार की चैंपियन इंग्लैंड को 71 रन से पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया की एलिजा हैली ने शानदार 170 रनों की पारी खेली। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में पंजाब किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 8 ओवर में 2 विकेट पर 89 रन बना लिए थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रमजान का महीना आज से शुरू हो गया है और आज रोजे का पहला दिन है। देश के कई हिस्सों में कल शाम चांद दिखाई दिया। उपराष्ट्रपति MVenkaiah Naidu और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान पर लोगों को बधाई दी है। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रहने की संभावना है। इन नगरों में तापमान 2 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, शिलांग, इम्फाल, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे तथा बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इन नगरों में तापमान 13 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं शिवप्रकाश मिश्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश का माल निर्यात 2021-22 में 418 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, मध्य एशियाई देशों के साथ संपर्क भारत की मुख्य प्राथमिकता। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर नेशनल असेंबली भंग की। सुप्रीम कोर्ट अविश्वास मत खारिज किए जाने की जांच करेगा। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने डोपिंग रोधी परीक्षण को पुख्ता करने के लिए नई दुर्लभ रासायनिक संदर्भ सामग्री जारी की। भारत जर्मनी को हराकर महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7वीं बार ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीता। और IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स के साथ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।